हेलो फ्रेंड्स, विमल कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चीनी के लड्डू, जो कि जीवतिया पर्व पे बनाते हैं। तो गैस ऑन करके रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब इसे पका लेते हैं, सारी चीनी घुल जाएगी। बीच बीच में चलाते रहेंगे। स्पैटुला से चलाते रहेंगे, जिससे देखिए चीनी गाढ़ी होनी शुरू हो रही है। चेक कर लेते हैं इसका तार बना है कि नहीं। तो अभी नहीं बना है, अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। ले लेते हैं एक थाली, थाली में लगाते हैं घी। चेक कर लेते चाशनी को, देखते हैं तार बनना शुरू हो गया है। देखिए तार बनना शुरू हो गया है। गैस करते हैं बंद, इसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसे एक चम्मच की सहायता से चाशनी को फेटेंगे। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी, जमना शुरू होगी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए धीरे धीरे जमना शुरू हो रही है। इसे अच्छी तरह से फेटेंगे। देखिए अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं थाली में, जिसमें घी लगा रखा था। अब इसे स्पैटुला की सहायता से चम्मच में से सारा बैटर निकाल लेते हैं। बैटर को धीरे धीरे ऐसे नीचे ऊपर करने से ठंडा होना शुरू होगा। ऐसे करने से अब इसके छोटे छोटे हाथों में लगाते हैं घी, बना दें छोटे छोटे लड्डू। देखिए इस तरह से बैटर अभी गर्म है। ऐसे सारे लड्डू बनाते जाएंगे। इसी तरह से सारे लड्डू चीनी के बना लिए हमने। तो आप भी बनाएं जीवतिया व्रत के लिए चीनी के लड्डू। देखिए आप सभी को जीवतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।